Hello, students. This is Shukumar Yadav in front of you. We'll start class 10, part 6. Yes, part 6. Last part, class 10 ke kaun sa chapter? Electricity chapter mein humne combination of resistors dekhe the. Right? Jisme humne dekhe the series combination, jo R series equal to R1 plus R2 plus R3. And dot 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 R8 calculate kiya tha. Yes, we derived this expression also. And also I derived which one? Parallel combination. And in parallel combination kya calculate kiya tha maine? Kya derive kiya tha? 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Right? और मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा. तो एक हम कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसा अगर हम एनसीईआरटी ओपन करके देंगे, स्पेशली मैं जो कवर कर रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी बुक का कवर कर रहा हूँ. बिकॉज इफ यू विल सी इन एनी एग्जामिनेशन, इफ यू विल सी एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी ईयर, देन यू विल सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को ही प्रेफर करता हूँ और उसके कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाता हूँ. तो एक न्यूमेरिकल है जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है. तो अब हम इसमें, क्योंकि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का हम कोई एक डेरिवेशन ना देखकर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. तो देखते हैं, सपोज कीजिए ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, हेडिंग लिख लेते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. राइट, किस पर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर. तो सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको एक ऐसे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 1, 2, और यहां पर कोई बैटरी कनेक्टेड है, इसमें 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 1, 2, 3, और इसको साथ में ऐसे कनेक्टेड किया हुआ है. चलिए इसमें अब हमने सपोज कीजिए ये मेरे R1 है, R1 की वैल्यू है 1 ohm, बहुत सिंपल लेते हैं. ये R2 है, R2 की वैल्यू है 2 ohm, ये R3 है, R3 की वैल्यू है 5 ohm, और R4 है, R4 की वैल्यू है 1 ohm. कोई सभी हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं, और ये R5 है, इसकी वैल्यू है 2 ohm. तो अब आपको बोला जा रहा है इसमें करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा करंट मेन मोटो नहीं है. हमारा मेन मोटो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें इफ देयर इज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए अभी मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये दोनों कॉम्बिनेशन कनेक्ट हैं, और नेगेटिव से ये तीनों कनेक्ट हैं. और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन को अगर मैं स्ट्रेट करूं तो ये सीरीज में आ जाएंगे. इट मीन्स पहले R1 और R2 को देखेंगे, तो R1 और R2 किस में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. राइट, और R3, R4, R5 भी कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो इसकी एक वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, और दोनों को वैल्यू को हम सीरीज में कर देंगे, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखिए, न्यूमेरिकल आपको बहुत सिंपल रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक जो है बहुत सिंपल रहेगी, तो आप समझते जाएं. तो इसमें क्या क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन और गिवन सर्किट. तो सॉल्व करते हैं. हियर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है. तो हम लिखते हैं 1 upon R P1. देखिए 2-2 पैरेलल में है, इसलिए R P1 लिख देते हैं, 1 upon R1 plus 1 upon R2. यस, अब हम देखते हैं 1 upon R1 कितना है हमारा, 1 है, प्लस 1 upon R2 कितना है, 2 है,
जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है 3 बाई 2। ये 3 बाई 2 हमारा किसकी वैल्यू आई 1 अपॉन आरपी 1 की। जब मैं इसका रेशियो को कर लिखा तो मुझे क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकालना होता है और यहां पर आर इक्विवेलेंट किस कौन बिहेव कर रहा है आरपी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आरपी 1 क्या हो जाएगा, इसका रेशियो को लिखिए 2/3 ओम। ये समझो ये आरपी 1 की वैल्यू, मतलब ये मेरा सिंगल रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या वैल्यू हो गई 2/3 ओम। अंडरस्टूड? अगेन देखते हैं हम आगे, अगेन अब बताइए R3 R4 एंड R5 ऑल्सो इन, अगेन R3 R4 एंड R5 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, तो फिर से लिखेंगे बट अब इसको R3 लिख दिया तो R3 2 लिख दिया इसको 1 अपॉन, बताइए पहला रेजिस्टेंस क्या है R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए बताइए क्या है भाई, 1 अपॉन R3 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। यस ना, राइट। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 5 को एज इट इज रहने देते हैं। अभी हमने इसको ऐड किया था 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है 3 बाई 2। यस ना, अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इनका आपस में कर दो, 2 × 1 2 + 5 = 15 डिवाइडेड बाय 5 × 10 और 15 + 2 कितना होता है 17/10। ये क्या आ रहा है 1/RP2, राइट ना। तो इसके बाद में मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, तो RP2 हमें चाहिए तो RP2 रेसिप्रोकल कर दीजिए तो RP2 कितना हो जाएगा भाई बताइए, ये हो जाएगा 10/17 ओम यूनिट है तो ओम यूनिट, राइट ना, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगर नोट कर नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, आई होप कर लिया होगा। तो मुझे बताइए अब क्या करें, अब हम बहुत क्लोज हैं आंसर के, क्या है बहुत क्लोज है, तो हमारा जो सर्किट है वो एक शॉर्ट बन जाएगा, चलिए RP2 आ गया और RP1 क्या मिला था 3/2, वह चेक कर लीजिए RP1 3/2। तो मैं अगर इस सर्किट को शॉर्ट करूं तो अब मेरे पास कितने रजिस्टर्स बचे हैं ओवरऑल, अब ओवरऑल मेरे पास बचे हैं 2 रजिस्टर्स ओनली, राइट ना, RP1 एंड RP2। तो मैं इसको शॉर्ट कर, चलिए हमने RP1 और RP2 निकाल लिया था, तो RP1 की वैल्यू आई थी 2/3 ओम एंड RP2 की वैल्यू आई 10/17। जब हम ये सर्किट को शॉर्ट करते हैं तो हमें RP1 की वैल्यू 2/3 आई और RP2 की वैल्यू 10/17 ओम आई। अब ये बताइए दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, नाउ RP1 एंड RP2 आर इन सीरीज, तो दोनों को सम करते हैं तो क्या जाएगा 2/3 प्लस 10/17, राइट ओके। उसके बाद में हमें मिल जाता है एलसीएम ले लेते हैं तो आर सीरीज को हम आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं और ये क्या आएगा 17/2 में मल्टीप्लाई किया तो 34 एंड 3/10 में किया तो 30 डिवाइडेड बाय 17/3 = 51 और ये हमें मिल जाता है बताइए 34 एंड 30 कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 51 ओम। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर 64/51 ओम, दिस विल बी फाइनल एक्सप्रेशन और आंसर। थैंक यू।